नमस्ते, सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री भोजराज जी, कार्यवाह श्री लाल बिहारी जी, टेंपल फेडरेशन के अन्य सदस्य, सम्माननीय पुरोहितगण, सबको नमस्ते, जय श्री राम। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज एवं परम आदरणीय रमेश भाई मेहता मॉरिशस देश में से भलीभांति परिचित है। विश्व हिंदू परिषद की योजना से वर्ष 2000 एवं 2003 में आप दोनों महानुभाव वहां के प्रवास किए थे। दोनों समय अनेक हिंदू संगठनों को भेंट दिए और विभिन्न हिंदू स्वामी तथा हिंदू सामाजिक नेतृत्व को मिले। वर्ष 2003 में स्वामी पूर्णानंद जी की वक्वा आश्रम में भारत माता मंदिर का शिलान्यास स्वामी जी के करकमलों द्वारा हुआ। सदा मुझसे वहां की गतिविधियों के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। आपको सुनकर बहुत आनंद होगा कि दिनांक 5 अगस्त 2020 अयोध्या के शिलान्यास कार्यक्रम में संपूर्ण भारत से केवल 150 महानुभाव अपेक्षित थे। आप दोनों अति विशेष व्यक्ति होने के कारण वहां थे। दोनों महानुभावों के मन में मॉरिशस के प्रति अत्यंत प्रेम और आदर है। आज के इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने शुभेच्छा एवं शुभ संदेश दिए हैं। सॉलिडारिटी फंड के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद। मेरे साथ घोषणा कीजिए, हिंदू सारा एक, संगठन में शक्ति है, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। और एक बार, हिंदू सारा एक, संगठन में शक्ति है, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। धन्यवाद, जय श्री राम। ओम भद्रं नो अभिवादय नमः। ओम शांति शांति शांति। सनातन धर्म आनंद आदि और आनंद है। सनातन धर्म का पर्यायी शब्द अगर हम विचार करेंगे तो परमात्मा ही है। जो परमात्मा से जिस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ वही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की विशेषता ये है कि यहाँ पर हम उस परमात्मा को व्यक्त भी मानते हैं और अव्यक्त भी मानते हैं। वो परमात्मा व्यापक है और कभी कभी अवतार लेकर के हमारे पास भी आता है। ऐसा हमारा धर्म वो अनादिकाल से चला आ रहा है। आवश्यकता होगी उसकी रक्षण की। धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा, ऐसा हमारा सिद्धांत है। अभी तक सभी लोगों ने इस सनातन धर्म को पहले स्वीकार किया, उसको अपने जीवन में उतारा और फिर उसको बताने के लिए इस संसार में गए। और संसार में जाकर के उन्होंने अपने दूसरे की निंदा न करते हुए, दूसरे को कम न दिखाते हुए अपनी विशेषता बताई, हम क्या है, तो उसका प्रचार प्रसार किया। विवेकानंद जी हो, रामतीर्थ जी हो या अन्य कोई संत हो, और वही हम लोगों ने किया। और देश में विदेश में सब जगह इसकी आवश्यकता है, रही है। हो सकता है कि मध्यकाल में जितने लोग बाहर हमको जाना चाहिए था हम नहीं जा पाए, परंतु आज साधन उपलब्ध हैं, हम बाहर भी जाते हैं, उनको भी हम अपनी बात कहते हैं। इसलिए आज संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की पताका फैल रही है। और उसमें उसको पताका फहराने वाले हमारे संत महात्मा हैं, हमारे धर्म के रक्षक जो जिसको हम स्वयं सेवी कह सकते हैं वो भी हैं। तो ऐसे ही एक बार की यात्रा है। हम लोग लगभग 2003 में और 2000 साल में हम लोगों ने मॉरिशस की यात्रा की थी।
वो अविस्मरणीय है। ऐसे तो मैं बहुत बार जाता रहता हूँ दुनिया के विभिन्न देशों में, और वहाँ पर जो एक बार देखा कि वहाँ के भारत समझो कि वहाँ पर एक छोटा भारत है, ऐसा छोटा सा देश जहाँ पर भारत बसता है, ऐसी जगह पर हम लोगों ने बहुत से कार्यक्रम किए। और वहाँ के सूत्रधार हमारे रमेश सुब्रमण्यम, जिसको वास्तविक कहा जाएगा कि कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए, मुझे भी पूछे कि कार्यक्रम का आयोजन कैसा होना चाहिए, तो रमेश सुब्रमण्यम जैसा होना चाहिए। हम लोग थक जाते थे, बहुत कार्यक्रम करते थे, अरे रमेश भाई कितने जाना है, बोले और एक घर जाना है, कितना और जाना है, बस और एक बाकी है, एक जाना है। तो इस प्रकार लगभग लगभग उन दिनों में मैंने और रमेश भाई मेहता जी ने पूरा संपूर्ण मॉरिशस हम लोग घूम घूम करके नवीन राम गुलाम उनके साथ में तो घंटों चर्चा हुई थी, और उन्होंने अटल जी के साथ में जो व्यवहार हुआ था, युवा में जिस प्रकार का उनका बात हुई थी, ऐसे अनेक बात वहाँ के मंत्री, और वहाँ पर लगभग लगभग पूरे मॉरिशस में 100 साल पुराने 150 साल पुराने बड़े बड़े मंदिर हैं, और ऐसे बहुत से वहाँ पर स्थान हैं। तो वो एक बहुत सुंदर अविस्मरणीय वो यात्रा हुई है। और हमारे जो संन्यास आश्रम पार्ला है, यहाँ विलय पार्ले में संस्कृत पाठशाला चलती है, यहाँ के अनेकों विद्यार्थी वहाँ पर अर्चक पूजा करते हैं, तो इस प्रकार की वहाँ यात्रा हुई। लोग धर्मप्रेमी हैं, परंतु अब वहाँ पर भी भाषा पर और धर्म पर थोड़ा सा बाहरी प्रहार होने लगा है। वहाँ जो हमारी मूल संस्कृति जो यहाँ से 150-200 साल पहले जो रामायण ले जाकर के वहाँ पर जिन्होंने धर्म का रक्षण किया, अब धीरे धीरे आधुनिक तंत्र ने वहाँ पर भी थोड़ी सी उस हमारी मूल परंपरा को भी थोड़ी वहाँ पर क्षति जैसी हो रही है। फिर भी मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हमारे सभी धार्मिक जो इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं वैसे ही सीखेंगे जैसे हमारे अनादिकाल से ऋषि मुनि विद्वान बड़े बड़े महात्मा इसको सीखते आए हैं, इसके रक्षण करते आए हैं। मैं समझता हूँ कि वर्तमान में भी वहाँ पर मॉरिशस में तो खास जरूरत है, और भारत सरकार को भी मॉरिशस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मान्यता है, क्योंकि वो छोटा सा भारत है और वो भारत को बड़ा भाई समझते हैं, तो बड़े भाई को छोटे भाई का रक्षण करना चाहिए, और आप जैसे हैं वैसे बने रहे, इतना ही हम संदेश हमको उनको देना चाहिए, और उसके लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। इतना कहते हुए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, रमेश जी को भी याद करता हूँ, और वहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी प्रकार हमारा धर्म तो वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे बंधुआने पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसलिए हमारा संदेश हमेशा रहा है और रहेगा, इस प्रकार की हम आशा करते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, जय श्री राम। इन दिनों में हम अनुभव कर रहे हैं कि युवा शक्ति अग्रेसर होकर समाज को संगठित कर दी, ये हमेशा हुआ है। भूतकाल में हम देखें, अतीत में जाए तो हमें पता लगता है जब युवा जागता है तो सारा समाज जागता है, और युवा जब समाज को संगठित करता है तो युवा में अपने आप में एक शक्ति होने के कारण, एक दिशा निश्चित होने के कारण समाज को सही दिशा की ओर ले जाता है। और सबसे बड़े उदाहरण देखिए, ज़्यादा करके समाज में युवा ही आगे आए हैं। एक समय में चाणक्य चंद्रगुप्त ने समाज को संगठित किया, आगे जाकर वो एक महान शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर सके। उसी प्रकार हम आगे बढ़े तो छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण ले सकते हैं, इतनी छोटी उम्र में अपनी दिशा निश्चित करके माँ का आशीर्वाद लेते हुए
सारे समाज को संगठित करने निकले, पर शून्य में से सर्जन करने वाले शिवाजी महाराज हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन गए। विवेकानंद जी का उदाहरण ले, इतनी युवा अवस्था में वो निकल पड़े, चाहते तो थे ईश्वर का दर्शन करना, लेकिन जब लगा उसको कि मेरा समाज खुद ही परेशान है, तो मुझे समाज में ही ईश्वर का दर्शन हो रहा है, मैं समाज को संगठित करूं, उनको मार्गदर्शन दूं। और हम जानते हैं उनका एक वाक्य कभी नहीं भूलना चाहिए हमें, कि जहाँ तक अपना गोल अपनी दिशा निश्चित ना हो जाए वहाँ तक मत रुको, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। उसी प्रकार डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, इतनी छोटी उम्र में मन में एक विचार आया कि हिंदू समाज को मैं संगठित करूं, तो 5 बाल बालों को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आज देखे विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना हुआ है, जहां कार्यकर्ता आते हैं एक स्वयंसेवक के रूप में, आगे जाकर कार्यकर्ता बनते हैं, आगे जाकर संघ के प्रचारक बनते हैं। इसके पीछे कोई और उद्देश्य नहीं है, राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना। और याद रहे, जिस राष्ट्र में समाज संगठित होता है वही राष्ट्र को संगठित कर सकता है। इसलिए युवा शक्ति को मैं आग्रह करता हूँ कि उदाहरण लो, उसी प्रकार की किताबें पढ़ो जिससे आपका हौसला बुलंद हो। जहाँ युवा नेता होते हैं वहाँ सारे समाज के अंदर एक प्रकार का जोश आ जाता है, और यही आज अनुभव कर रहे हैं। मेरे सबको, मेरे युवा साथियों को अनुरोध है कि अपने लिए जीना वो जीना नहीं होता है, आओ हम अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जिए और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुँचाए। और याद रहे, हिंदू समाज कभी मर मिटने वाला नहीं है। आघात सहते सहते आज फिर से हम खड़े हो गए हैं। आज हम विश्वगुरु के रूप में हिंदू समाज को फिर से उसी स्थान पर पहुंचाना है। आप सब अपनी दृढ़ता के साथ निकल पड़े और सारा समाज को संगठित करते हुए हम विश्व को एक बार दिखा दे कि हिंदू सर्वश्रेष्ठ एक समाज है जो सबका भला चाहता है। पर साथ में याद रहे, शक्ति होगी तो ही दूसरे का भला कर सकोगे, बिना शक्ति हमारी भक्ति कोई नहीं करेगा। शक्ति खड़ा करना, यही हमारे सबका निर्णय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।